हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का एरिया चैप्टर कर रहे हैं। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सर्कल की। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एरिया का सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी की हेल्प से आपको बताया है कि ये जो एरिया सर्कल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr² सॉरी एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज πr². तो ये एक्टिविटी की हेल्प से आपको बताया है कि ये 2πr और πr² कैसे आता है। तो हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है वो पूरा देखने की, हम लोगों को जस्ट फॉर्मूला याद करना है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज πr². ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट करने हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल पोर्शन है, फिगर है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ दोनों। ठीक है, पेज नंबर 103। ठीक है, वी आर डूइंग सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू πr² और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये दो फॉर्मूला ही लगेंगे हम लोगों को। एरिया ऑफ सर्कल इज πr² एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे जो पेज नंबर 103 पर है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हम लोगों को सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए या तो रेडियस रिक्वायर्ड है या डायमीटर। अगर डायमीटर भी दिया होगा हम लोगों को तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जो डायमीटर होता है सर्कल का, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 × रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसके वाइस वर्सा अगर हम लोग लेंगे तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, यानी कभी कभी कोई क्वेश्चन में क्या होगा, आपको रेडियस नहीं दिया होगा, मे बी डायमीटर दिया होगा, तो उसको हम लोग हाफ करेंगे तो हम लोगों को रेडियस मिल जाएगा और हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। या सर्कमफेरेंस के लिए भी सेम सिचुएशन है, अगर डायमीटर दिया है तो उसको हाफ करके रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों को अपना सर्कमफेरेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑल एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम रीडिंग द क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 103। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। सिंपल सम है, सर्कल दिया रेडियस दिया हुआ है और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट हो जाए और प्रैक्टिस हो करने की। एक्सरसाइज 1, सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमेशा एज यूजुअल हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे
तो हमें याद है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 22/7, और एक और वैल्यू होती है 3.14। ये दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या तो 22/7 लिखें या 3.14 लिखें, ठीक है। पाई की ये वैल्यू होती है, ये भी बहुत इजीली आप बायहाट हो जाती है, सॉल्व करते करते आपको बायहाट हो जाएगा पाई की वैल्यू। नाउ मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, पाई में ले रही हूँ 22/7, आर मुझे कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर है इसलिए 21 × 21, ओके। कैंसिलेशन, 7 × 1 = 7, 3 = 3, ठीक है। 22 × 3 × 21 = 22 × 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो मल्टीप्लीकेशन पे मुझे कितना मिलेगा 1386। अगेन एरिया है तो इस एरिया की यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मेरा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर ली हम लोग ने। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एक सॉल्व एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सर्क्यूलर ग्राउंड इज 3850 square meter, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर ग्राउंड। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों को एरिया गिवन है और वी हैव टू फाइंड द रेडियस। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग रेडियस मालूम करेंगे, रेडियस का स्क्वायर मालूम होगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है तो रेडियस मालूम होगा। कभी भी स्क्वायर करके ना छोड़े, स्क्वायर रूट निकालना कंपल्सरी है। आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी होती, आर की वैल्यू हम लोगों को पूछी होती है। तो मैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख ले रही हूं, मेरे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्क्यूलर ग्राउंड इज गिवन व्हाट, 3850 square meters। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया किस में गिवन है, मुझे स्क्वायर मीटर में गिवन है, तो मेरा आंसर जो रेडियस का होगा वो हमेशा मस्ट बी मीटर्स ही लूंगी मैं, सेंटीमीटर्स नहीं लेना, रॉन्ग हो जाएगा, हाफ मार्क्स कट हो सकता है या एक मार्क भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख लिया केयरफुली कि जो एरिया गिवन है स्क्वायर मीटर में गिवन है, तो मेरा रेडियस का आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, रेडियस। आर स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं, जो आर स्क्वायर फाइंड आउट होगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू, सबसे पहले एरिया गिवन है तो मैं एरिया की जगह एरिया लिख लूंगी, 3850 इज इक्वल टू 22/7 × r, तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। ओके, अब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगी, तो जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगी तो ये मुझे r फाइंड आउट करना है, ये मुझे r फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन के इस साइड जाएगा, जब ये इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी इसे, 3850 × 7/22 = r². ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर मुझे आर स्क्वायर क्या मिलेगा, 1225। ये सिंपल 2 2 से इसको डिवाइड करते जाना है, और जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे 1225 मिलेगा मुझे, और इसका ये क्या मिला मुझे, आर स्क्वायर मिला है।
ये मुझे आर स्क्वायर मिला, बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, आर की चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब मुझे आर की वैल्यू मिलेगी। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, फिर भी यहाँ मैं आपको रफ वक्त में बताती हूँ। ये ऐसा लिख लेंगे और फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, फाइव से जाएगा ये, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव से जाएगा ये, फाइव टू ज़ा सॉरी फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव, सेवन नाइन ज़ा फोर्टी नाइन, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन एंड सेवन वन ज़ा सेवन, ठीक है। मुझे पेयरिंग मिल गई, ये एक पेयर मिला मुझे और ये दूसरा पेयर मिला, ठीक है। स्क्वायर रूट में याद है ना आपको, हम लोग पेयरिंग करके एक नंबर बाहर ले लेते हैं, तो फाइव इंटू सेवन ये मुझे आर मिल गया, दैट इज आर इज इक्वल टू थर्टी फाइव, क्या यूनिट आएगी बच्चों, मीटर्स, ठीक है। ये मुझे आंसर मिल गया मेरा, आर इज इक्वल टू थर्टी फाइव मीटर्स। अवॉर्डिंग क्वेश्चन है तो मुझे आंसर एंड में लिखना है, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर ग्राउंड इज 35 मीटर, ठीक है। सिंपल था, ठीक है, सिंपल था ये, बहुत हो गया सॉल्व। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल दोनों सॉल्व हो गई, आई थिंक दो ही सॉल्व एग्जाम्पल है, या नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 15.6 है, ये भी बहुत इजी है, इसके फोर क्वेश्चंस है, हम लोग फोर कंप्लीट कर लेंगे, वन टू थ्री एंड फोर क्वेश्चंस है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।